नमस्कार सुप्रभात मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइव को दर्शक बंधु आपमान को प्रश्न आपण मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मानकर जो प्रश्न रहुची समस्या रहुची ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतवा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान कहंतु। दर्शक बंधु जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय रे विवाह पर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपन को किमती मिल पार सुइटेबल लाइफ पार्टनर पर आप जातक कौन जो अच्छे केमती आटीच्यूड रहा केमती पर सहित संबंध रखिपारे आपं लाइफ पार्टनर जहाँ सहित आप मेरेज करेंगे केत पजिट रेते नेगेटिव रपण पर कैसे बालान्स हो पार आप लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे मैरिज को लेकिन बहुत समय किसी ना कि आप प्रत्येक समय कन्फ्यूजन क्रिएट हो मैरिज में कहीं विलंब हो जिनसर देखुं आलोचना करूँ कौन रही जातक जुग केमी मिल पार बहार सुख जड़े कलर जड़ सहित कथ हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार कहतु क्या जानवे कहतु आप जन्म तारीख 25 फरवरी 1988 समय कौन सर किसी इंक्रीमेंट किसी सर होनी मु ए जॉब को माने छाड़ी के किसी बिजनेस करबी कि को बिजनेस करले भलो हो कि कोन करबी टिके से विषय रे टिके जाने हो चाहू छी। अच्छा अच्छा ठीक अछि आज्ञा आप कर सब देखिबा आप लग्न तुला लग्न जे तो तुला लग्न रहूची वायु तत्व लग्न इंटेलेक्चुअल लग्न आपकर टेक्निकली मध्य आप स्ट्रांग छंती जा बिटिसन होचंती लाइफ रे किछ ना किछ शीघ्रता जको नेगेटिव प्रति बहुत समय हि जाउची आपको राशि जब देखा वृष राशि रोचे मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि 5/2 जेहतु वृष राशि लॉर्ड शुक्र आप जातक सिक्स हाउस पोजिशन हो उच्च अवस्था रोचे नवांश देखा शुक्र आप जातक कुंभ राशि पोजिशन हो बहुत स्ट्रंग अच्छे शुक्र आपत बर्तमान सर्विस कर सर्विस काराग्रह शनि जेहतु मंगल सहित युक्त अच्छी 10th हाउस लॉर्ड चंद्र 8th हाउस पोजिशन हो सर्विस को लेकिन प्रत्येक समय उतार चढ़ाव लगिक रोचे फिनान्सील ग्रोथ मिल पार ना आपको पोजिशन प्रमोशन आपको स्ट्रगल अधिका करने पड़ो कितु बर्तमान समय जहाँ भी चली सर्विस नेगेटिव चलती सर्विस उन्नति आपना सर्विस को लेकिन आप स्ट्रगल कर प्रत्येक समय किसी ना कि विपरीत पिस्थित आपण सहित क्रिएट होजनेस आपे कहीं 7th हाउस लॉर्ड मंगल 3rd हाउस शनि सहित युक्त अच्छे बिजनेस करेंगे कितु बहुत छोट आकार बहुत कम इन्वेस्टमेंट रे बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे कहीं 7th हाउस बृहस्पति पोजिशन हो बृहस्पति शुभ ग्रह पॉजिटिविटी प्लानेट जेहतु 7th हाउस इनफ्लुएंस रखुच्छी बहुत भल रण शुक्र आप जातक उच्च अच्छी विशेषकर देखते कॉस्मेटिक आइटम घर सजेवा जिनस इंटीरियर प्रोडक्ट को लेकिन ड्रेस मटेरियल को लेकिन आपड़ बिजनेस करें बिजनेस बहुत भल चल कितु बहुत कम इन्वेस्टमेंट आपत बिजनेस करें विशेषकर देखु आप बिजनेस करने बहुत भल समय आसको 20 जनवरी 2022 बहुत भल समय आसने स्टार्ट करेंगे कितु बहुत कम इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस स्टार्ट करूँ बिजनेस आपको बहुत भल जी कितु पार्टनरशिप बिजनेस आप करेंगे ना कहीं 7th हाउस लॉर्ड मंगल शनि सहित युक्त अच्छी हेवी लॉस हो प्रत्येक समय किसी ना कि बिजनेस को लेकिन उतार चढ़ाव आपको लगिक बिजनेस पाई फ्यूचर पाई गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पाना पिंधतु आपंकर बिजनेस आपंकर फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रो जड़े कला जड़ सहित कथा हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे 9 मार्च 1992 समय कहतु राति 9:26 जन्मस्थान कौन तो? राजपुर। कौन जाने जाऊँ चंती या पढ़ों? अरे जियो घोटे जगह रहे इंटी चॉइस कर सी किंतु घरे टी पसंद करना इंटी से कथा को माँ का सही तो टी संपर्क
ଖରାପ ଅଛି ସାର୍, କେମିତି କଣ ରହିବ ଆଗକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହବ କି ମା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କି ପୁଅ? ଝିଅ। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा। आप सब देखा आपको लग्न तुला लग्न, तुला लग्न जस्टिस लग्न अनिष्टि लग्न जेहेतु तुला लग्न रोच लग्नाधिपति शुक्र आप जतक फिफ्थ हाउस सूर्य सहित कंजक्शन करनि मंगल कंजक्शन होनि मंगल ज्योति रोच फोर्थ हाउस जेहेतु मानसिक शांति जगार फोर्थ हाउस पाप ग्रह प्रभाव रोच माँ का स्थान फोर्थ हाउस शनि मंगल कंजक्शन हो कि ना कि एग्रेसन आसी जा किसी ना किसी मनमोटाव लगिक रोच पर आपणकर माँ का सहित विशेषकर बर्तमान जहाँ भी आप मेरेज चाहते करने सेवेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल जेहेतु फोर्थ हाउस पोजिशन हो मंगल शुक्र कंजक्शन हो लव मेरेज आपड़ करूँ ना कहीं लव मेरेज जब आप कर मेरेज लाइफ आप डिस्टर्बेन्स रहीकिना शुक्र सूर्य कंजक्शन हो फिफ्थ हाउस लव हाउस केतुर पूर्ण दृष्टि रोचे केतु डिटाचमेंट प्लानेट मैरिज लाइफ रे किसी ना कि डिटाचमेंट आपको आसीज से आप मैरिज करेंगे अरेंज मैरिज आपे किंतु वर्तमान समय जहाँ भी चली आगे बहुत भल समय अच्छी मैरिज पर आपंकर 26 जनवरी 2022 पर मैरिजर समय अच्छे किंतु मैरिज पर अधिका विलंब रहा कहीं फोर्थ हाउस शनि मंगल कंजक्शन होधिका मंगल दोष आपको जतक क्रिएट होती जहाँ भी आप मैरिज पर प्रस्ताव आप प्रोसेस करेंगे आगक बढ़ी पार ना शेष मुहूर्त में भांगी जबार चान्स रोचे से वर्तमान समय गोटे रुद्राभिषेक आप करूँ विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ। हे गौरी शंकरार धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ अष्टाध्यायी बहुत शीघ्र मैरेज हे बहुत भल मेरेज पार्टनर मिल पारे आपको राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सेपर पिंधु आपंक मैरिज लाइफ आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा रेड कलर और ब्लैक कलर को टोटल अवॉइड करूँ ग्रीन कलर सिल्वर कलर येलो कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से पारे आप जड़े कलर जोड़ सहित क्या हाँ हेलो हेलो कहतु आज क्या विषय जानवे कहतु पुख जन्म तारीख वो 2006 मे 27 तारिख रे जन्म होई छी 27 मे अज्ञा 27 मे 2006 मे 27 जन्म समय कोंतु 11टा बजे को 5 मिनिट रे आपण आपणकर टीवी रो वॉल्यूम को म्यूट करंतु प्रथमे जन्म समय कोंतु अज्ञा 2000 मे 27 तारिख शनिवार 11टा बजे को 5 मिनिट किले जन्मस्थान कौन तो? अठांतर बाली बना अठांतर। कौन जाने चाहूँ चुनती जिंग को विषय आपनों? बाली बना। कुआ भाभी सब विषय रहने वाले हैं जाऊँगी। अच्छा कौन भविष्य जानी में? तो साठ बड़ा पीतर कंधी हो वो उसके दुष्ट भी हो ची। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा क्या आप अगर जहाँ भी प्रश्न हो ची आप अगर देखी बाहर लग्न आप अगर सिंगल लग्न लग्नाधिपति सूर्य आप जतक जेहेतु टेन्थ हाउस पोजिशन हो सूर्य चंद्र बुधर कंजक्शन हो राशि रोच रोहिणी नक्षत्र वृष राशि 4/2 जेहेतु आप अमावास्या पखापाखि जन्म होती सूर्य चंद्र बुधर कंजक्शन हो चंद्र अस्त अच्छी बुध मध्य अस्त अच्छी कनसेन्ट्रेसन अभाव रोचे जहाँ भी पढ़ापढ़ी करूँ मेमोरीज कर पार्ना कनसेन्ट्रेट प्रपर्ली करना फोकस कर पढ़ापढ़ी फिकिल हो जाते आपड़ बर्तमान समय नेगेटिव चलती मंगल चंद्र चलती आगे मध्य राहु दशा कंटिन्यू कर जेहेतु राहु और जातक आपट हाउस पोजिशन हो राहु केतु एक्सीस प्लानेट आसंक जातक आंशिक काल सर्पदोष रोच से आपड़ स्ट्रगल करते मानसिक स्थिति को लेकिन कनसेन्ट्रेसन को लेकिन प्रत्येक कथा रागि जाऊँच चिड़ी जाऊँगी अधिका जुक्ति तर्क कर बर्तमान समय नेगेटिव चलती आपन को एजुकेशन बहुत भल समय आसो आपण 2022 जून पर 6 जून 2022 पर बहुत भल समय आज एजुकेशन उत्तरतर उन्नति आपड़ करेंगे से गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता एवं मेमोरी ग्रोथ पर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे पाना पिंधतु आप फ्यूचर बहुत भल रहा भी करने को चाहते प्रपर्ली आप करेंगे विशेषकर टेक्निकल लाइन आप सक्से टेक्निकल लाइन आप सर्विस करेंगे किंतु किसी ना कि उतार चढ़ाप लगिक रोचे आकस्मिक भाव में कि आपको हेल्थ इश्यू आसी जा
मानसिक स्थिति मत ठीक रोना प्रत्येक समय कन्फ्यूजन क्रिएट हो मन भितर से प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ातु आपंक नामकतर सतैशी धूप आपंक नामकत चढ़ातु सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य स्वतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य न संशय ए मंत्र में सतैशी धूप चढ़ातु बहुत भल फ्यूचर रोत भल ग्रोथ करें आउ जने कलर जड़चन तांग से कथा बा हेलो हेलो आगे कोन तो का विषय जानिबे अरे मु बहुत से जानना चाहू जी अच्छा सर ना डेट ऑफ बर्थ ला 16/11/95 16 नवंबर 1995 समय कोन तो रात 12:40 पे सकाळ हेले 16 तारीख रहू छी आजा आजा जन्मस्थान कौन दस्तला कौन जाने चाहूँ थी आपनों सर से तुमने तो सिरे डॉक्टर पास कर दी अच्छा सर सिरे के लिए हम लोग इंटरेस्ट अच्छा अच्छा ठीक अच्छा ज्ञान आप अंकर सब देखी पाप आप अंकर लग्न सिंगल लग्न एवं सिंगल राशि जेहेतु लग्नाधिपति राशियाधिपति सूर्य आप जातक थार्ड हाउस पोजिशन रखुच्छी बुध और राहु सहित कंजक्शन करुच्च सूर्य बुध राहुर कंजक्शन हो बुध आप जातक अस्त रोचे जेहेतु सेकेंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस अस्त रोच प्रत्येक समय आप स्ट्रगल कर सर्विस आप रिक्वायरमेंट रखुच्च डिजायर रखुच्च सर्विस प्लानेट शनि आप जातक 7th हाउस कुंभ राशि पोजिशन होती बकरी अच्छी स्ट्रगल करलंब हो जाए मिलवापी आपन को सर्विस वर्तमान समय देखा आपंक जतक सूर्य चंद्र चलती पॉजिटिव समय आगक आसवा आपंक सर्विस एचिवमेंट पाई जहाँ भी डिजायर रखुच्च 2022 फेब्रुआरी परे परे 25 फेब्रुआरी 2022 परे परे बहुत भल सर्विस एचिवमेंट आपन पाई परिबे जेतु सर्विस हाउस 10th हाउस लॉर्ड शुक्र 4th हाउस पोजिशन होउची किंतु पाप ग्रह प्रभाव रोचे से कि विलंब रोचे गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट जिरकन पिंधतु आपंकर सर्विस आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिबो मानसिक अस्थिरता प्रत्येक समय लागिक रहुची बहुत समय मन भितर हरिनेस रहुची किछ ना किछ डिसीजन आप नहीं जाउचंती शीघ्रता जो जोटा कि बहुत समय नेगेटिव हो जाउची स्ट्रेस फैक्टर मध्य आपंकर बढ़ी पड़ी जाउची प्रत्येक समय अधिका चिंता करुचंती डिप्रेशन शिकार मध्य आप होती राइट हैंड लिटिल फिंगर ब्लू मून पिंधतु मानसिक अस्थिरता आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिबो ब्लैक कलर को टोटाली अवॉइड करंतु ग्रीन कलर येलो कलर व्हाइट कलर एवं रेड कलर को यूज करंतु बहुत पूरा फ्यूचर अच्छी बहुत पूरा सक्सेस पाई परिबे आपण आउ जने कलर जणसन तांग से कथा बा हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार कोन तो का विषय जानिबे सर मो भाई विषय जानिबे खान होय कोन तो जन्म तारीख 4 मार्च 1991 समय कौन तो? 10:14 राती 10:14 जन्मस्थान कौन तो? भुवनेश्वर से कौन जाने हो चाहते हैं भाई कभी से रापनों सर से किसी माने गवर्नमेंट जॉब किसी हबो की नहीं सी तो ना माने गोटे संस्था रे काम करू छी गोटे अच्छा आ जो आगु को सर जम्मे गवर्नमेंट जॉब ते हबो ना नहीं सर किसी माने मॉनिटर प्रॉब्लम हबो की आगु को ना कोन किसी बिषय ठीक जाने हो चाहू अच्छा अच्छा ठीक अछि आ ज्ञान आपकर सब देखि बा आपक लग्न तुला राशि जे तो तुला राशि रहू छी आपकर बायतत्व राशि रहू छी बायतत्व इंटेलिजेंट को रिप्रेजेंट करे अधिक इंटेलिजेंट रहिबे आपनो अधिका जस्टिस मन भितर रोचे अनिष्टी आप मन भितर रोचे प्रत्येक समय आप न्यायर पक्ष ने लाइफ रे किंतु बहुत समय आप स्ट्रगल कर मानसिक स्थिति को लेकिन जेतु चंद्र चर राशि पोजिशन रखुच्छी प्रत्येक समय मन भितर अस्थिरता लगिक रोचे डिसीजन प्रॉपरली आप नहीं पार ना शीघ्रता जो कहीं 4th हाउस शनि राहुल कंजक्शन हो प्रत्येक समय किसी ना कि माया आसी जा बहुत समय किसी जिनस पॉजिटिव लगुच डिसीजन नहीं जाती नेगेटिव हो जाए लॉस हो जाए वर्तमान समय देखा बृहस्पति राहु चलती आप सर्विस किंतु सर्विस आपको अधिक स्ट्रगल आसुच्छी सर्विस किसी ना कि डिसीजन नहीं जी जोटा कि आपं नेगेटिव हो फाइनेंशियली देखा गले बृहस्पति फाइनेंस काराग्रह बकरी अच्छी 3rd हाउस 6th हाउस लॉर्ड बृहस्पति जेहेतु बकरी अच्छी केतु सहित कंजक्शन करुच्छी
हेल्थ को लेकिन मध्ये आपण स्ट्रगल करचंती, फाइनेंस को लेकिन मध्ये आपण स्ट्रगल करचंती बहु समय रे, किंतु वर्तमान समय चली बृहस्पति राहु आग को शनि दशा चलार अच्छी। शनि मध्ये आपको जातक रे पॉजिटिव अच्छी, जेहेतु सर्विस रा कारक्रह शनि आप जातक रे पॉजिटिव अच्छी। सर्विस रे बहुत बड़ा हाइट आपण पाई परिबे, किंतु सर्विस रा अधिका टारगेट मिलिबो, सर्विस रा अधिका परिश्रम करिया को पड़िबो आपनको। परिश्रम कला परे आपनको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिली परिबो, काकर सर्विस रे जाबी आपण सर्विस करिबे बहुत बड़ा पोटेंशियल रहिबो, बहुत बड़ा डेडिकेशन रहिबो काम प्रति। से हिसाब से मध्य आपको टार्गेट मिले, परिश्रम आप अधिक करेंगे, किंतु बहुत समय किसी ना कि लेजिनेस, बॉडी पेन, थंडा रिलेटेड समस्या, पेट अप रिलेटेड प्रॉब्लम आपन को लगिक रोचे। से गोटे प्रतिकार आप करूँ, राइट हैंड रो लिटिल फिंगर में गोटे पाना पिंधतु, राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर में ब्लू मून पिंधतु। मानसिक स्थिरता फ्यूचर अचीवमेंट पर बहुत पॉजिटिव रहिब। ब्लैक कलर को टोटाली अवॉइड करूँ, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, सिल्वर कलर एवं येलो कलर को अधिक यूज करूँ। बहुत भल फ्यूचर अच्छी, बहुत भल सक्सेस पाइपे आप। तो दर्शक बंधु वर्तमान समय है गोटे ब्रेक रो, ब्रेक पर आलोचना जारी रखा। ब्रेक पर स्वागत। दर्शक बंधु आलोचना करचंती वैवाहिक दाम्पत्य सुख को लेकिन जहाँ भी आपको प्रश्न आसे, कहीं बहुत समय कन्फ्यूजन क्रिएट होपण मान मन भितर केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे, केमती आप मेरेज लाइफ रे उत्तम बुझाणा केमती आपे मेरेज पर देखुं लग्न को, कहीं लग्न आपक स्वभाव, लग्न आपकर इंटरेक्शन, लग्न आपक डिसीसन, लग्न आपक मोराल केत पजिट रोच देखापी देखुं लग्न में केत शुभग्रह प्रभाव रोचे। शुक्र, चंद्र, बुध और बृहस्पति जदि आप जातक पोजिशन रखुं तो बहुत भले इंडिजुआल आपड़ बहुत भले अनेस्टी आपं रोचे, किंतु से हिसाब से देखो जहाँ सहित मेरेजर प्रस्ताव अच्छी आपण सहित मेच करने लग्न को देखु, लग्न को फोकस करूँ, लग्न उपर जब शुभग्रह प्रभाव रोचे शुक्र, चंद्र, बुध और बृहस्पति तले बहुत भल कंफर्टेबिलिटी हो पार, बहुत भल पेज आपणकर हो पार, लग्न मैचिंग आपंपरें प्रोसेस करेंगे आप, कहीं आपंकर स्वभाव सहित स्वभाव मैच कर, आपंकर प्रिंसिपल सहित प्रिंसिपल मैच कर, आपंकर डिसीजन सहित डिसीजन मैच कर, बहुत भल रेज लाइफ जहाँ भी डिसीजन नहीं जहाँ भी लाइफ पार्टनर आप चॉइस कर बहुत पॉजिटिव रहा। आउ जड़े कलर जो कथा हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार कौन तो कावेश जानिबे कौन नाना विषय जानि रहबै चल दिली। अच्छा कौन तो जन्म तारीख 10:40 दिन तारीख कौन तो आगे प्रथम हेलो 13/8/1998 समय कौन तो 10:40 दिन जन्मस्थान कौन तो कटक। कौन जाने चाहूँ थी आपनों विवाह रो विषय रे बाह रो ये वर्ष होगा कि नहीं। अच्छा अच्छा बाह रो पस्ता हुई जेते चेष्टा कर ले जमा आसुनी भी टोटली पस्ता। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा गया आप जहाँ भी प्रश्न रखूँ चंती आप को मैरिज पाई मैरिज के भी हवा आपन जाने को चाहूँ चंती आप को लग्न तुला लग्न जेतु तुला लग्न रहूँ आपन बहुत अनेस्ट रहूँ प्रत्येक समय अधिका परिश्रम करचंती लाइफ रे अचीवमेंट पाई बहुत समय अन्य को मध्य सहजरे विश्वास करि जाउचंती अन्य को मध्य साहाज्य करचंती किछ ना किछ सीक्रेट प्रत्येक समय आपण लीक करचंती मानसिक स्थिरता लागिक रहउची बहुत समय मध्य एग्रेसन आसी जाउची आपण को कथा कथा रे रागी जाउचंती चिड़ी जाउचंती आपण जेतु मैरेज पाई आपण को प्रश्न रहउची 7th हाउस को फोकस करबा 7th हाउस लॉर्ड मंगल आपण गरस्क पर जेहेतु 10th हाउस रे मंगल शुक्र सूर्य बुधर कंजक्शन होउची 7th हाउस रे शनि एवं चंद्र रो पोजीशन होची विषयोग क्रिएट होची आपन को जातक रे 7th हाउस रे जति पाई मैरिज रे जहाँ भी आपन प्रोसेस करचंती आगो को बढ़ी पारु नाही किछ ना किछ विलंब हे जाउची शेष मुहूर्त रे मध्य भांगी जाउची आपन को सेत पाई काहे किना 7th हाउस रे जे तो विलंबर कारक रह शनि पोजीशन न कुची चंद्र सहित कनेक्शन न कुची सेत पाई आपन स्ट्रगल करचंती वर्तमान समय शुक्र रे केतु चलची आगो को बहुत बल समय आसीबो आपन को मैरिज हेई पारिबो
2022 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ନଭେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପତ୍ନୀ ମନର ମାମ ଦେହି ମନବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ ସାଗରସ୍ୟ କୁଲୋଦ୍ଭବାମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିର୍କନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଜଣେ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ତାଙ୍କର ହେଲା 4/10/1969 ମସିହା। 4 ଅକ୍ଟୋବର? ଆଜ୍ଞା। 1979? 69। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଲା 1:30। ସକାଳ ହେଲେ କେତେ ତାରିଖ ରହୁଛି? 4 କି 5 ହେଇଯିବ? 5 ହବ ସକାଳ ତାହେଲେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ସାର୍ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ରତା ମନ ଭିତରେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସର୍ଭିସ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶନି, ଯେହେତୁ 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼, 8th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ନିଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅଛି। ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳୁଛି। କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର୍କୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2023 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ, 12 ଜୁନ୍ 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିପାରିବ, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ, ଜବ୍ରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ରେଡ୍ କଲର୍, ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, କେମିତି ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କେମିତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କେତେ ଶୁଭ ରହୁଛି, କେତେ ପାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ରହୁଛି, କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ପରିବାରରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଉପରେ, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, କେମିତି ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ାପଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟରେ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯାହା ବି ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ୱେଟ୍ ରହିବ, ଓଜନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ।
ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତୀଖାପଣ ଯୋଗୁଁ, କଡ଼ାପଣ ଯୋଗୁଁ କଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର, ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରହିଥିବ ତାଙ୍କର। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସଫ୍ଟ ରହିବ, ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟ ରହିବ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହ, ଶୀତଳ ଗ୍ରହ, ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ଅଧିକ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆପଣଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂରେ କେମିତି ଆପଣ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯାହା ବି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥାକୁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତୀଖାପଣ ନେଉଛି, କଡ଼ାପଣ ନେଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ବାଣୀ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, କେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ରହିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।